हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा मोमेंट्स का फोर्थ लेसन है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिसके जो राइटर हैं ए के रामानंजन हैं। ये एक फोक टेल है जो रामानंजन के फोक टेल्स ऑफ फ्रॉम इंडिया बुक से लिया गया है। इसमें एक मूर्ख राजा और मंत्री के बारे में बताया गया है कि एक राज्य में जो राजा है और जो उसके मंत्री होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, इडियट होते हैं। वो अपने राज्य में एक ऐसा कानून लागू कर देते हैं कि जो लोग हैं वो रात को तो काम करेंगे और दिन में रेस्ट करेंगे। वहाँ जो हर चीज़ की जो कीमत थी वो 1 डूडू रखी गई थी, जैसे कि हमारे यहाँ 1 रुपया यानी कि रुपए के हिसाब से है। तो वहाँ पर जो कीमत थी हर चीज़ की, चाहे छोटी चीज़ ले लो चाहे हम बड़ी कोई ज़्यादा या कम चीज़ लें, तो सभी की कीमत क्या थी, 1 डूडू थी। तो एक बार की बात है कि वहाँ पर एक बार एक गुरु और एक चेला घूमते हुए उस राज्य में आ जाते हैं। दिन बहुत अच्छा होता है, मौसम सुहाना होता है, तो सभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, गलियाँ बिल्कुल सुनसान थी। वो पूरा दिन वहाँ घूमते रहे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति नहीं था। जैसे ही शाम हुई, अंधेरा होना शुरू हुआ, तो सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले। कोई खेतों की तरफ गया, किसान था तो कोई बिजनेसमैन था वो अपने व्यापार पर चला गया, तो कोई शॉपकीपर था वो अपनी दुकान उन्होंने खोल ली। तो इस प्रकार से रात होते हुए ही सभी ने अपने अपने कार्य करने शुरू कर दिए। तो ये देखकर राजा हैरान हो गया। तो राजा ने अपने डिसाइपल से कहा कि राज्य हमारे यहाँ रहने के लिए ठीक नहीं है, यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उसका जो डिसाइपल था वो थोड़ा लालची किस्म का था और उसको वहाँ सस्ता भोजन मिल रहा था, इसलिए वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन गुरुजी तो निश्चय कर चुके थे कि वो वहाँ पर उन्होंने रहना ही नहीं है। उन्होंने अपने शिष्य को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। गुरुजी ने कहा कि मेरी एक बात याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग पता नहीं आपके साथ क्या करें, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और फिर आपको मेरी बातों के बारे में ध्यान आएगा कि गुरुजी ने ये कहा था। उसके बाद गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। तो कुछ ही दिन के बाद क्या होता है कि एक चोर एक व्यापारी के घर में घुस जाता है, दीवार को तोड़ करके। तो जैसे ही वो घर में लूट माल का सामान लेकर वापस उसी जगह से आ रहा होता है जहाँ से वो घुसा था, तो क्या है कि उसके जो दीवार होती है वो उसके ऊपर गिर पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसका भाई वो दौड़ता हुआ राजा के पास जाता है और कहता है कि मेरा भाई अपने व्यापार पर गया था, काम पर जा रहा था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति के घर की दीवार मेरे भाई के ऊपर गिरी और उससे उस बेचारे की मृत्यु हो गई, मुझे न्याय चाहिए। राजा इतना मूर्ख होता है कि उसको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति था जो वो चोर था और वो गलत काम कर रहा था, क्राइमिनल था, तो उसको दंड देने की अपेक्षा उसकी पैरवी करना शुरू कर देता है। तो वो उस व्यक्ति को बुलाता है जिसके घर की दीवार उसके ऊपर गिरी थी। उसको कहता है कि तुमने ये कच्ची दीवार बनाई है, वीक दीवार बनाई है, और जिसकी वजह से उस बेचारे व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो तुम्हें अवश्य ही सजा मिलेगी। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि ये दीवार मैंने नहीं बनाई थी, ये तो मेरे पिताजी के समय में बनी थी, और जिसने बनाई थी मैं उसको जानता हूँ, वह बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। तो इस प्रकार से वो उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने ये गलत या दीवार थी वो वीक नहीं बनाई थी, जो एक लेडीज थी वो उस गली से आ जा रही थी और उसने मेरा ध्यान भंग कर दिया, इसलिए दीवार सही नहीं बनी। फिर उसके बाद उस लेडीज़ को बुलाया जाता है, उस लेडीज़ के बाद फिर यानी कि एक सुनार को बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से कहा सारी की सारी जो कहानी है वो घूम करके वापस फिर उसी व्यक्ति के ऊपर आ जाती है जिसके घर की दीवार उस चोर के ऊपर गिरी थी। तो इस प्रकार से इस यानी कि एक ऐसा राजा उस राज्य का होता है जो बिल्कुल ही मूर्ख होता है, इसलिए इस लेसन का नाम कर रखा है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। सो लेट्स प्लीज रीड दिस लेसन।
इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। तो किंगडम ऑफ फूल्स, तो मूर्खों का साम्राज्य था, उसमें बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट। दोनों राजा और जो मंत्री थे वो क्या थे? इडियट थे, मूर्ख थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, तो अन्य राजाओं की तरह अपने राज्य को नहीं चलाना चाहते थे। शो दे डिसाइड टू चेंज नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट, तो उन्होंने फैसला किया कि वो दिन को रात और रात को दिन बनाए। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति जो दूसरे राज्य है वो दिन में काम करते थे तो वो रात में काम करेंगे और दिन में रेस्ट करेंगे। दे ऑर्डर दैट, तो उन्होंने आदेश दिया, एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर कोई रात को जागेगा। टिल देयर फील्ड, टिल का मतलब कल्टीवेट, कि वो अपने खेतों को जोतने के लिए, एंड रन देयर बिजनेस, जो भी व्यापारी है बिजनेसमैन है वो अपने व्यापार को रन करेगा चलाएगा, ओनली आफ्टर डार्क, सिर्फ अंधेरा होने के बाद। एंड गो टू बेड एज सुन एज दी सन केम अप, और जैसे ही सूर्य उदय होगा तो सभी अपने अपने बेडों पर चले जाएंगे, यानी कि सभी सो जाएंगे। एनी वन हु डिसऑर्डर ओबे वुड बी पुनिश विद डेथ, जो कोई भी उसकी आज्ञा उल्लंघन करेगा तो उसको मृत्यु की सजा दे दी जाएगी। द पीपल डिड एज देवर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के भय के कारण, तो लोगों ने ऐसा ही किया जैसा उनको कहा गया था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, तो अपने प्रोजेक्ट की सफलता के ऊपर मिनिस्टर और जो राजा थे वो बहुत खुश थे। वन डे, एक दिन, ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव इन द सिटी, जो गुरु था और उसका जो चेला था, शिष्य था, वो एक शहर में आए। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी, शहर बड़ा सुंदर था। इट वॉज ब्रोड डे लाइट, दिन बिल्कुल बढ़िया था। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। एवरीवन वॉज एस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नोटे माउस स्टीरिंग, यानी कि एक चूहा तक भी हिल नहीं रहा था, यानी कि कोई भी चीज़ वहाँ पर हिल नहीं, यानी कि कोई भी इधर उधर नहीं घूम रहा था, सभी सोए हुए थे। इवन द कैसल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाइड, यहाँ तक कि उन्होंने जानवरों को भी सिखा दिया था दिन में सोना। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज बाई वाट दे सा अराउंड देम एंड वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड, तो दोनों ही जो अजनबी थे, गुरु और जो डिसाइपल थे, वो हैरान थे बाई वाट दे सा, जो उन्होंने देखा अराउंड देम चारों तरफ। एंड वांडर्ड, घूमते रहे अराउंड टाउन पूरे कस्बे में टिल इवनिंग, शाम तक। वैन सडनली दी होल टाउन वोक अप, और जब अचानक पूरा कस्बा उठ गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, सभी लोग अपने अपने कामों पर चले गए, यानी कि जो किसान थे वो खेतों में चले गए, जो बिजनेसमैन थे वो अपने अपने बिजनेस के करने के लिए चले गए, जो शॉपकीपर थे उन्होंने दुकानें खोल ली, और जो अदर व्यक्ति थे उन्होंने अपने अपने बिजनेस करने शुरू कर दिए। द टू मैन वर हंगरी, तो दोनों व्यक्ति भूखे थे। नाउ दैट दी शॉप्स वर ओपन, अब जबकि दुकान खुल गई थी, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, तो वो कुछ सामान लेने के लिए चले गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, तो हैरानी के लिए, दे फाउंड दैट, उन्होंने देखा कि एवरीथिंग कॉस्ट दी सेम ए सिंगल डूडू, कि हर चीज़ की कीमत क्या थी? एक सिंगल डूडू थी। जैसे हमारे यहाँ करेंसी होती है, यानी कि रुपया करेंसी है, तो वहाँ पर करेंसी क्या थी? तो वहाँ पर डूडू थी, मिस्र की बात है ये। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस, चाहे वो एक चावल खरीदें और एक बंच ऑफ बनाना, या फिर केलों का गुच्छा खरीदें, तो सभी की कीमत क्या थी? वन डूडू थी, इट्स कॉस्ट ए डूडू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसका जो चेला था, शिष्य था, वो खुश थे। दे हैड नेवर हियर ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इस तरह का राज्य नहीं देखा था और ना ही सुना था। दे कुड बाई ऑल दी फूड, वो सब भोजन खरीद सकते थे। दे वॉन्टेड 4 रुपीज, जो वो चाहते थे 1 रुपये के अंदर, यानी कि इस प्रकार से वो क्या था? एक मूर्खों का साम्राज्य, जिसमें बड़ी से बड़ी चीज़ से लेकर छोटी सी छोटी चीज़ तक सभी क्या थे? 1 ही रुपये की कीमत थी। वैन दे हैड कुकड एंड ईटन, जब उन्होंने भोजन खा लिया और खा लिया, दी गुरु रियलाइज दैट, तो गुरु जी ने महसूस किया, दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स, ये तो मूर्खों का साम्राज्य था, एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, तो ये यहाँ पर रुकना उनके लिए क्या है? अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा विचार नहीं। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, आओ चलें।
ही सेड टू हिज डिसाइपल, तो उसने अपने शिष्य से कहा, बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड सी फूड, वो जो वो चाहता था अच्छा और सस्ता भोजन। द गुरु सैड, उसके बाद गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, के सभी मूर्ख हैं। दिस वॉज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल वॉट दे डू टू यू नेक्स्ट, आप नहीं बता सकते कि वो आपके साथ आगे क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन द गुरु विजडम, लेकिन शिष्य ने गुरु की बुद्धिमता की बातें नहीं सुनी। ही वॉन्टिड टू स्टे, तो वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सैड, तो गुरु जी ने अंत में उस राज्य को छोड़ दिया एंड सैड, और कहा कि डू वट यू वॉन्ट, वही करो जो आप चाहो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट और चला गया। द डिसाइपल स्टे ऑन एट हीज फील वेरी डे एवरी डे, तो शिष्य वहीं रुका रहा, हर रोज भरपेट भोजन खाता था, बनाना घी राइस एंड व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड चैकर बोल, और एक गली के सांड की तरह मोटा हो गया था खा खा के। तो वन डे, वन ब्राइट डे, एक बहुत ही चमकीले दिन, ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, तो एक चोर एक धनी व्यापारी के घर घुस गया। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, तो उसने दीवार में एक सुराख बनाया एंड स्नीक्ड इन, और अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हीज लूट, जैसे वो अपना लूट का सामान लेकर वापस आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, तो उस पुराने घर की जो दीवार थी, कोलैप्स ऑन हीज हेड, उसके सिर पर गिर गई, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसको तुरंत मार दिया। हीज ब्रदर रेन टू द किंग, तो उसका भाई दौड़ता हुआ राजा के पास गया एंड कंप्लेंट, और शिकायत की, योर हाईनेस की, हे महाराजा, वैन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हीज एंशियंट ट्रेड, एंशियंट ट्रेड मतलब अपना पुराना बिजनेस, यानी कि चोरी। तो देखो यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा है, एंशियंट ट्रेड, ट्रेड की एक व्यापार, वो चोरी करने को भी एक व्यापार मानते थे। कि वैन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हीज एंशियंट ट्रेड, कि जब मेरा भाई अपने पुरानी व्यापार पर जा रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, तो इसके लिए व्यापारी दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पुनिश द रॉन्ग डोयर, कि आपको गलत दीवार बनाने वाले को सजा देनी चाहिए, एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस लॉस, और इस लॉस के लिए परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनसेट मिलना चाहिए, यानी कि पैसा मिलना चाहिए। द किंग सैड, तो राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करना, एट वंस समवन द ओनर ऑफ दी हाउस, और तुरंत घर के मालिक को बुलाया, समन होता बुलाया, टू कॉल आउट। व्हेन द मर्चेंट अराइव, जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चन्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, प्रश्न पूछे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, सच एंड सच योर हाईनेस, की हे महाराजा, फला फला मेरा नाम है, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गलर योर हाउस, क्या तुम घर पे थे जब वो मृत व्यक्ति आपके घर में चोरी कर रहा था। येस माई लॉर्ड, कि हाँ हे महाराजा, ही ब्रोक इन एंड दी वॉल वॉज वीक, वो अंदर घुसा और जो दीवार थी वो कमज़ोर थी, इट फेल ऑन हिम, ये उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज प्लीज गिल्टी, तो उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया। योर वो किल दी किल दिस मैन ब्रदर, कि आपकी दीवार ने इसके भाई को मारा है। यू हैव मर्डर मैन, आपने एक व्यक्ति का मर्डर किया है। वी हैव टू पुनिश यू, इसलिए हमें आपको क्या करना होगा, आपको सजा देनी होगी। लॉर्ड, हे भगवान, सैड द हेल्पलेस मर्चेंट, तो उस असहाय से व्यापारी ने कहा कि हे भगवान, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, कि मैं दीवार नहीं बनाई थी, इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये वास्तव में उस व्यक्ति का दोष था हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई है। He did not build it right. उसने इसको सही नहीं बनाया। You should punish him. आपको उसको सजा देनी चाहिए। Who is that? वो कौन है? My lord. This wall was built in my father's time.
ये जो दीवार है वो मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। आई नो दी मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाई, और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, तो देखो वो एक मूर्खों का साम्राज्य, इसलिए इसको कहा गया है कि इसमें जो राजा था वो बहुत ही मूर्ख था, कि उस राजा ने उस व्यक्ति की जो जिसकी दीवार उस चोर के ऊपर गिरी थी, तो उसने उस चोर को दोषी न मानते हुए उस व्यक्ति को ही दोषी मान लिया कि जिसके घर की दीवार उसके ऊपर गिरी थी, जबकि उसने एक क्राइम किया था। एक चोरी करना क्या होता है, एक क्राइम होता है, और उस क्राइम के बाद भी वो राजा उस व्यक्ति को दोषी नहीं मान रहा बल्कि उसकी ही पैरवी कर रहा था। तो इसलिए वो जो राजा था वो क्या था, इडियट था, मूर्ख था। इसलिए इस लेसन का नाम क्या है, किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि एक मूर्खों का साम्राज्य है। द किंग सेंट आउट अ मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। किंग सेंट आउट, तो राजा ने भेज दिए मैसेंजर यानी कि संदेशवाहकों को टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, उस मिस्त्री को लाने के लिए हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वो उसको लेके आए, टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पांव बांध करके। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर टाइम, तो राजा ने उससे पूछा, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर टाइम, क्या उसके पिताजी के समय आपने ये दीवार बनाई थी। येस माई लॉर्ड आई डिड, मिस्त्री ने कहा कि हाँ महाराजा, हे महाराजा, मैंने ही ये दीवार बनाई थी। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, तो आपने ये किस प्रकार की दीवार बनाई। इट हैड फॉलन ऑन ए पुअर मैन, की एक गरीब व्यक्ति के ऊपर गिर गई है, एंड किल्ड हिम, और उसको मार। देखो राजा यहाँ भी कि उस व्यक्ति को क्या बोलता है, गरीब व्यक्ति बोलता है, जबकि वो एक चोर था, एक क्राइमिनल था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मूर्ख होने के नाते वो उस व्यक्ति को क्या बोलता है, कि उसको एक पुअर व्यक्ति बोलता है। यू हैव मर्डर्ड हिम, आपने उसको मारा है। वी हैव टू पुनिश यू बाई डेथ, तो हमें आपको मृत्यु की सजा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा उसको मृत्यु की सजा सुनाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो उस बेचारे मिस्त्री ने आग्रह किया, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, कि हे महाराजा, आप अपना आदेश देने से पहले मेरी बात सुनिए। इट इज ट्रू, ये सच है कि आई बिल्ट दिस वॉल, कि मैंने इस दीवार को बनाया है। इट वॉज नो गुड, ये अच्छी नहीं बनी थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ये इसलिए बनी थी क्योंकि मेरा दिमाग उस दीवार पर नहीं था उस दिन। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है कि ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे, कि एक डांसिंग गर्ल जो उस गली से आ जा रही थी पूरा दिन, विद हर एंकलिंग जिंगलिंग, अपनी पजेबों के साथ, एंकलेट होता है यानी कि पजेब पायल के साथ जिंग जिंग करती हुई सी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माइंड ऑन दी वॉल, तो मैं अपने नज़र और अपना जो दिमाग है वो दीवार के ऊपर नहीं लगा पाया। आई वॉज बिल्डिंग, जिसको मैं यानी कि बना रहा था बिल्डिंग। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको वैसे ही उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही हो। द केस डीपन, अब केस और ज़्यादा गहराता गया। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें अवश्य इसकी जाँच करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान है टू जज, निर्णय करना सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस प्रकार के उलझन वाले केस में। लेट्स गेट दैट आंसर, क्यों ना उस डांसर को बुलाया जाए। वेरी वर सी इज, वो कहाँ रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमैन, और वो डांसिंग गर्ल अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी। केम ट्रेवलिंग टू द कोर्ट, और वो कांपती हुई सी दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम काफ़ी साल पहले उस गली से आ जा रही थी, वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये गरीब व्यक्ति दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था। येस माई लॉर्ड, हाँ हे महाराजा, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से याद है। उस डांसिंग गर्ल ने भी अपनी बात कबूल कर,